सो गाइस, अभी हम यहाँ पे ये कामशेत लेक पे आए हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा एडवेंचर चल रहा है। गाड़ी हमने ऊपर खड़ी की है और अभी हम लेक की तरफ यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। कुछ नेक्स्ट लेवल एडवेंचर चल रहा है यहाँ पे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। सुबह के अभी आप देख रहे हो 6:15 बज रहे हैं और हम लोग आज एक छोटी सी राइड पे जा रहे हैं। ये हमारी 2022 की पहली राइड है। काफ़ी दिनों के बाद आप ये वीडियो देखते रहोगे क्योंकि मैं थोड़ा बीमार था। ऑलमोस्ट 10-12 दिन मैं बीमार था, इस वजह से मुझे ना मैं कोई राइड पर जा सका ना कोई वीडियो रिकॉर्ड किया मैंने। तो गाइस, मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ, बस राइडिंग गियर पहनना है और थोड़ी देर में हम मिलते हैं आपसे नीचे। तो गाइस, 6:30 हो चुके हैं और अभी हम निकल रहे हैं अपनी राइड पे। तो मैं ट्रिप मीटर हमेशा की तरह और एवरेज मीटर ज़ीरो कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारे कितने किलोमीटर हुए हैं और एवरेज कितना मिला है। तो चलो गाइस, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, अम्बे माते की जय। तो हमेशा की तरह हम पहले गणपति बापा के दर्शन लेंगे। तो इस बार हम अकेले नहीं जा रहे हैं, ना भरत के साथ जा रहे हैं, तो हम लोग ग्रुप के साथ जा रहे हैं, द बाइकर्स ब्रदरहुड। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप फॉर पास्ट 4 इयर्स, 4 साल से मैं इस ग्रुप का मेंबर हूँ। ऑलमोस्ट 1 साल से मैं इन लोग के साथ एक भी राइड नहीं की, तो बहुत एक्साइटेड हूँ टू मीट ऑल दिस गाइज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। गणपति बप्पा मोरिया। तो ये 2022 की ये हमारी पहली राइड है, तो होप सो सब ठीक जाए और हम काफ़ी सारी राइड्स करें इस साल। इस साल मुझे लद्दाख करना है, लेकिन देखते हैं कैसे होता है। तो चलो गाइस, फिर मिलता हूँ मैं आगे आपसे। हमारे जो राइड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, विच इज़ विवियन मॉल, थाने में पड़ता है, बस मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ क्योंकि यहीं से हमारी राइड शुरू होने वाली है। द सेकेंड पॉइंट इज़ मैकडी इन कलमबोली। तो कुछ लोग यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं, बाकी के हम लोग तो कलमबोली में मिलने वाले हैं। तो यहीं पे कहीं पे अपने बंदे रहेंगे। शायद यहाँ पे है, ओके, कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे राइट में। क्या हो गया भाई, कैसा है? सो गाइस, ऑलरेडी 7 बज चुके हैं। द इनिशियल प्लान वॉज हम लोग 6:30 को यहाँ से निकलेंगे, 7:30 को कलमबोली पहुँचेंगे। बट देन आप समझ सकते हैं, जब भी बड़ा ग्रुप होता है तो कोई आगे आ रहा है, कोई पीछे आ रहा है, तो रुकना पड़ता है। तो दिस इज़ द गैंग। सो वी हैव अ गुड सेट ऑफ बाइक्स विद अस। हमारे पास 2 एडवेंचर है, एक बुलेट है, देन मेरी FZ25 है, देन वी हैव 2 डोमिनर्स और एक अपाची है। तो चलो गाइस, फिर ऑल सेट टू रोल। तो गाइस, अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप है कलमबोली मैकडी, जहाँ पे बाकी की गैंग हमको ज्वाइन हो जाएगी। तो चलो फिर आगे मिलते हैं। गाइस, अभी हम निकल चुके हैं विवियन मॉल से और अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा कलमबोली मैकडी। करीब 1 घंटा लगना चाहिए हमें पहुँचने के लिए।
गाइस हम लोग कलमबोली पहुंच चुके हैं। सो दिस इज द रेस्ट ऑफ आवर गैंग। रोहन भाई कैसे है? बाकी सिंपल बेसिक हैंड सिग्नल्स है। दिस इज फॉर स्लोइंग डाउन, ओनली लेफ्ट हैंड से सिग्नल देना, राइट हैंड से सिग्नल मत दो। स्लोइंग डाउन स्पीड पकड़ने के लिए, अगर कोई स्पीड ब्रेकर को चाहता है डू दिस, तो जो पीछे वाले को समझ में आ जाए। ठीक है, आप लोग दोनों शायद फर्स्ट टाइम आ रहे हो हम लोग के साथ, बता रहा हूँ। और कुछ है पेंडिंग है? खड्डा अगर याद है ब्रेकफास्ट पॉइंट यही है। अरे क्या ब्रेकफास्ट पॉइंट? कुछ खा के नहीं आया? कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ जाके खाएंगे। काम अगर कोई खड्डा देखा सामने, कोई खड्डे वड्डे से अगर बचना है तो यू कैन पॉइंट इट आउट, हाथ से या पैर से पॉइंट कर सकते हो ताकि पीछे वाला वो खड्डे में ना गिरे। Please, everyone is do not point it out. Because if I'm the second guy and I see this guy, I know. If I'm third and I see this guy, I know that first guy has done it. So, ऊँच समझ में नहीं आ रहा तो क्या बोल रहा है? Second one does not need to point out. तो दिखेगा। Number one bullshit guy. तू जिस में हो आसान। जैसे आपने अभी देखा कि यहाँ पे अभी ब्रीफिंग सेशन हुआ, तो यूजुअली हम जब भी ग्रुप राइड करते हैं तो ब्रीफिंग सेशन होता है जहाँ पे बहुत सारे नए राइडर्स भी होते हैं जो पहली बार आ रहे हैं, तो उनको डूज डोंट्स क्या करना है, हैंड सिग्नल्स ये सब बताया जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, द नेक्स्ट स्टॉप विल बी वालावन डैम। हम लोग लोनावला जा रहे हैं, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। तो हम लोग लोनावला जा रहे हैं, वालावन डैम, बहुत सालों के बाद जा रहा हूँ मैं। जब भी मैं स्कूल में था तभी हमारी पिकनिक वहाँ पे जाया करती थी। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं आगे। सो गाइस आप देख सकते हो ये रोड कितना खूबसूरत है। हम ट्रैफिक से बाहर निकल चुके हैं और लोनावला की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में बालाघाट शुरू हो जाएगा, पोपुली सिटी क्रॉस करके हम फिर बालाघाट स्टार्ट करेंगे। बहुत मजा आ रहा है, धूप नहीं है, मतलब सूरज भगवान तो निकल चुके हैं लेकिन बादलों के वजह से के सूर्य के हम तक पहुंच नहीं रहे, बट लेकिन क्लाइमेट सुपर है, मजा आ रहा है इतने दिनों के बाद राइड करके। तो चलो फिर मैं आपको मिलता हूँ खंडाला घाट में। सो गाइस अभी हम लोग 80 किलोमीटर आ चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं ताकि जो पीछे रह गए हैं वो आ सके। तो एक बार उन लोग आते हैं फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, सब आ चुके हैं, 80 किलोमीटर हो गए हैं, बस 20 किलोमीटर कुछ बाकी हैं फॉर आर डेस्टिनेशन। तो एक बार खंडाला घाट, अभी हम लोग खोपोली पहुँचे नहीं है, बस खोपोली पहुँचेंगे, खंडाला घाट जैसे ही शुरू होता है हम फिर से मिलेंगे। सो गाइस खंडाला घाट शुरू हो चुका है। आप अगर ओल्ड मुंबई पुणे रोड से आते हो तभी आपको ये घाट लगेगा, क्योंकि अभी तो जब से नया एक्सप्रेसवे बना है सब बड़ी गाड़ियां वहीं से जाती है, टोल वाला रोड है, बट दिस इज द ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे और खंडाला घाट इसी पे आता है। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है ये। एक्सप्रेसवे बनने की वजह से एक अच्छा हुआ कि अभी यहाँ पे ट्रैफिक नहीं रहती, नहीं तो अगर मुझे याद है हम लोग बचपन में पुणे जाते थे या लोनावला जाते थे तो यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होता था, काफ़ी ट्रैफिक। अभी बस जो यहाँ के नज़दीक में जो विलेजेस है वो लोग या तो बाइक वाले ये रोड यूज़ करते हैं, बड़ी गाड़ियों की ट्रैफिक काफ़ी कम होती है यहाँ पे, नहीं के बराबर होती है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत रोड है। तो ठीक है, आप घाट का मजा लीजिए, मैं तब तक मनोवर करता हूँ यहाँ से। आज संडे है तो आपको यहाँ पे काफी बाइकर्स दिखेंगे।
जो ब्रेकफास्ट राइड के लिए निकलते हैं, संडे राइड के लिए निकलते हैं, या तो लॉन्ग राइड के लिए भी जाते हैं, तो आपको पुणे बैंगलोर वगैरह कहीं पर भी जाना है तो आपको यहीं से जाना है। आप देख सकते हो बंदा एग्जैक्टली करना क्या ज्यादा पता नहीं है। ये काफी पुराना मंदिर है, बचपन में हम यहाँ से जब भी जाते थे तो मुझे याद है मेरे डैडी या मम्मी, मेरे पेरेंट्स मेरे पास कॉइन देते थे और ये हम लोग कॉइन इस मंदिर में डालते थे। ये रोड काफी खूबसूरत है, मतलब बहुत मजा आता है यहाँ पे। बंदा यहाँ पे खड़ा है, इसका नाम विनोद है, ही इज पार्ट ऑफ अ ग्रुप। यहाँ से ही आप देखोगे इंटरसेक्शन है, आपको इस रोड पे चढ़ना पड़ता है, मतलब क्रॉस करना पड़ता है, तो कोई मिस ना करे इसकी वजह से हम यहाँ पे खड़ा है, सो दैट यू कैन गाइड द अदर गाइस टू एंटर दिस लेन। बहुत लोग आ रहे हैं यार, दिस इज द खंडाला घाट। बहुत फॉग है यहाँ पे, ओहो हार्ली डेविडसन क्या बात है। आप वीकेंड को यहाँ पे आओगे तो आपको काफी बड़ी गाड़ियां दिखेगी, बहुत सारे बाइकर्स आते हैं लोनावला या तो पूना। हम भी लेंगे एक दिन बड़ी गाड़ी, कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन ये भी कुछ बुरी नहीं भाई, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रही है, इससे जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी कर रही है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ से ये घाट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अभी हम लोग टॉप पॉइंट पे है, दिस इज द मंकी पॉइंट इसको बोलते हैं। सामने आपको मंकी भी दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत है। सो दिस आर द सेट ऑफ बाइक्स जो हम लोग के साथ हैं। प्लीज़ अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं, मनस चांदीकर की जगह है। मैंने आपने अगर मेरा लोनावला वाला इकवीरा वाला पहले वाला व्लॉग देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि इट्स अ वेरी गुड प्लेस ब्रेकफास्ट के लिए स्पेशली, और अगर आपको महाराष्ट्रियन क्यूजीन खाना है, टिपिकल थाली पीट एंड ऑल दैट स्टफ, मिसल एंड ऑल, तो बहुत अच्छा मिलता है। तो अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे ताकि बाकी के लोग आ जाएँ पीछे से, सो दैट आई कैन गाइड देम देयर, बिकॉज पहली बार सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे। सो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी बज रहे हैं 11:40, तो अभी 11:40 हो रहे हैं, अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे टू वालावन डैम। वालावन यहाँ पे एक आध घंटा टाइम पास करेंगे एंड देन वी स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं सीधा वालावन डैम में। सो गाइस अभी हम लोग वालावन डैम पहुँच गए, लेकिन पता चला कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ कोविड अलाउ नहीं करें विजिटर्स को, टूरिस्ट को, तो
तो उन्होंने गेट बंद कर दिया है। तो अभी हम कुछ आसपास में कोई नया लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहाँ पे जाके थोड़ा देर टाइम पास कर सके। तो अभी कामशेत में, यहाँ से थोड़ा आगे है, एक घंटा लगेगा। कामशेत में एक लेक है, तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, चेक करते हैं वहाँ पे चालू है क्या। आईडीली तो चालू होना चाहिए बिकॉज ओपन लेक है, लेकिन चलो देखते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं आपको बताता हूँ। गाइस अभी हम कामशेत पहुँच चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द लेक। ये हाईवे से ये अंदर जाता है रोड, आप देख सकते हो दोनों तरफ सब खेत है, बहुत खूबसूरत रास्ता है। एंड इवन द क्लाइमेट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा मौसम है, धूप है ही नहीं, नहीं के बराबर है। अभी पता नहीं ये कितनी दूर है। और सो गाइस अभी हम यहाँ पे रुके हैं, ये लोकेशन हमें अच्छा लगा। देख सकते हो इस तरफ से एक छोटी सी नदी बह रही है, एक छोटा सा ब्रिज है और ये नदी बह रही है। रियली वेरी ब्यूटिफुल। सो गाइस अभी हम यहाँ पे ये कामशेत लेक पे आए हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा एडवेंचर चल रहा है। गाड़ी हमने ऊपर खड़ी की है, खेत में, इट्स नॉट अ खेत एग्जैक्टली, बेसिकली बंजर जमीन है जहाँ पे काफ़ी घास है, तो वहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की है। और अभी हम लेक की तरफ यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, कुछ नेक्स्ट लेवल एडवेंचर चल रहा है यहाँ पे। जितनी आसानी से हम नीचे जा रहे हैं, काश उतनी आसानी से हम ऊपर भी आएं। यहाँ पे जो घास है ना, ऊपर जो थी घास, तो उसके ऊपर है ना कुछ ऐसे पत्ते पत्ते जैसे थे जो हमारे सॉक्स में अटक गए हैं और वो काफ़ी चुभ रहे हैं अभी। मुझे लगता है ऊपर जाने के लिए इतनी तकलीफ नहीं होगी जितने नीचे आने के लिए हो रही है। सो गाइस अभी हम नीचे आ चुके हैं। The weather is really beautiful, बहुत खूबसूरत है और हल्की सी धुंध है यहाँ पे, जिसके वजह से लेक काफी अच्छा लग रहा है।
अरे वीडियो चल रहा है इसके लिए। सो गाइस अभी हम लोग वापस जा रहे हैं टुवर्ड्स द बाइक। आप देख सकते हो जैसे मैंने कहा था ये एडवेंचर हो रहा है और ऊपर जाना ज़्यादा आसान रहेगा नीचे आने से। बस ये पत्थर लूज है जिनकी वजह से ना थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि ये फिसल रहे हैं पैर के नीचे। हाँ है अभी मत पी ऊपर जाके पी। मुख्य घुस गया लगता ये जो घास है ना इसके ऊपर ये छोटे फ्लावर्स हैं जो अभी सूख गए हैं और चलते समय वो सॉक्स में फंसते हैं और चुभते हैं। तो चलो हम आगे ऊपर। धाम से डैम से आप देखो कि अभी मैं दूसरी गाड़ी चला रहा हूँ। मेरे दोस्त विनोद उसकी ये FZ25 है तो उसको ज़रा फील लेना था क्योंकि हमने हमारे गाड़ी पे जो हैंडल बार राइजर और फोक राइजर लगाए हैं तो उसको उसका फील लेना था। आप यहां से देख सकते हो ये कितना खूबसूरत है। इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। आप लेफ्ट में देखोगे तो आपको ये डैम दिखेगा। देखिए काफी फॉग है सुबह से। द क्लाइमेट इज वेरी प्लेजेंट। बहुत अच्छा क्लाइमेट है। अभी हम जा रहे हैं और लंच करेंगे एंड देन उसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे। तो एक बार हाईवे पर पहुंचेंगे तो देखते हैं कहाँ पे लंच कर सकते हैं। हाईवे में टच हो चुके हैं हाईवे पे आ चुके हैं। अभी ये सीधा सीधा रोड है। अभी देखते हैं रास्ते में कुछ खाने के लिए मिलता है तो आज जो सब क्विक लंच एंड देन घर। ये रोड भी काफ़ी खूबसूरत है ट्विस्टीज हैं यहाँ पे। क्लाइमेट बहुत सुपर हो गया क्लाइमेट बहुत मजा आ रहा है। गाइस अभी हम यहाँ पे आए खाने के लिए। दिस इज तेजस ढाबा। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। तो गाइस अभी हमारा खाना हो चुका है। शाम के 5 बज चुके हैं काफ़ी लेट हो गया है तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और सीधे घर जाएंगे। तो मैं अभी ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि अभी जिस रास्ते से हम आए थे उसी से हम रिटर्न जा रहे हैं तो मतलब नहीं है वो दिखाने में। तो अगर ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर।